नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्चे और अच्छे फैक्ट्स। यह बात सुनकर आप भले ही चौंक रहे हों, लेकिन जनाब दुनिया में आजकल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। लोग नई नई चीज़ें अपनाते रहते हैं, कई बार लोग अपने धर्म भी बदलते हैं, लेकिन आजकल दुनिया में एक नया धर्म अपने पैर पसार रहा है जिसका नाम है कॉपीमिज्म। जी हाँ, आप भले ही इसे बेकार माने, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते, वह इसकी ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यह धर्म फाइल शेयरिंग को दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य बताता है। चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे नए और अनोखे धर्म के कुछ राज। कॉपीमिज्म यानी फाइल शेयरिंग धर्म को बहुत सारे लोग भले ही बेवकूफ़ी वाली हरकत करार दें, लेकिन 5 जनवरी 2011 को स्वीडन की सरकार इसे धर्म की मान्यता दे चुकी है। पायरेटेड डेटा को दुनिया भर में बांटने वाली फेमस टॉरेंट वेबसाइट द पायरेट बे की हेल्प से इस धर्म की नींव रखी गई है। आइजैक इस धर्म के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। कॉपीमिज्म धर्म बेसिकली कॉपी और मी, इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। इस धर्म के मानने वालों को कॉपी पेस्ट या कॉपी पेस्ट इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। धर्म से जुड़े लोग मानते हैं कि संचार या कम्युनिकेशन ही इस दुनिया में सबसे पवित्र काम है। तभी तो इस धर्म से जुड़ी एक मुख्य वेबसाइट पर धर्म से जुड़ा कोई भी सिंबल नहीं बना है, बल्कि कॉपीमिज्म धर्म के लोगों को यहाँ दिखाया गया है, जिस पर लिखे हैं दो कंप्यूटर कमांड, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी। आखिर कैसे बनाए धर्म? कॉपीमिज्म धर्म को मानने वाले लोग जानकारियों और कंप्यूटर डेटा को कॉपी करने और एक दूसरे को बांटने को ही सबसे बड़ा पुण्य का काम मानते हैं। इन लोगों के लिए कॉपीराइट और प्लेजरिज्म जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। कॉपीमिज्म को धर्म के रूप में मान्यता दिलाने के लिए इसके धार्मिक गुरु आइजैक ने साल भर में कई बार सरकार के अधिकारियों से मुलाकात करी। सरकार का कहना था कि सिर्फ उसी को धर्म की मान्यता दी जा सकती है जिसके अनुयायी प्रार्थना और ध्यान करते हों, जबकि कॉपीमिज्म में यह दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। धर्म से जुड़े लोग तो सिर्फ सूचना और कंप्यूटर डेटा को कॉपी करते हैं और बांटते हैं, और लोग इसे ही अपनी प्रार्थना मानते हैं। हालांकि काफ़ी जद्दोजहद के बाद स्वीडन सरकार ने कॉपीमिज्म के रूप में मान्यता दे दी है। कॉपीमिज्म के अनुयायी कैसे करते हैं पूजा और प्रार्थना? इस धर्म को मानने वालों के शब्दों में उनकी प्रार्थना का नाम है कॉपी एक्टिंग। हम और आप अपने अपने धर्म के अनुसार मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन ये लोग तो कंप्यूटर सर्वर या किसी वेब पेज पर ही मिलते हैं, और यहाँ पर तमाम जानकारियों, डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आइजैक मानते हैं कि किसी भी जानकारी और डेटा को कॉपी कराने से इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। डेटा कॉपी कराने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के युग में लोगों के साथ डेटा शेयर करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कॉपीमिज्म मानने वालों की शादी करवाता है कंप्यूटर। यह धार्मिक संगठन इंसानों को नहीं बल्कि जानकारियों और डेटा को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, और जानकारियां फैलाना ही अपना धर्म मानता है। फिर भी साल 2012 में कॉपीमिज्म धर्म को मानने वालों के बीच एक अनोखी शादी हुई थी। इस शादी में पंडित की भूमिका कोई इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर निभा रहा था। दुनिया के लिए इस अजीब से धर्म को लेकर नेशनल ज्योग्राफिक ने एक स्टोरी में लिखा था कि कॉपीमिज्म दुनिया का सबसे नया धर्म है। वैसे ऐसे धर्म कहना भी ज़रा मुश्किल है, लेकिन ऐसे लोग जो किसी भी धर्म से ना जुड़े हो, वो लोग इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से लेकर दुनिया के तमाम देशों में धर्म के प्रति लोगों का रुझान कम होता दिख रहा है। हालांकि दूसरी तरफ भारत जैसे तमाम ऐसे भी देश हैं जहां पर धर्म के प्रति लोगों का रुझान पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खैर, जो भी हो, दुनिया का सबसे नया और अनोखा धर्म
अपनी अलग ही राहों पर तमाम लोगों को लेकर चला जा रहा है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही सच्चे और अच्छे फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।